बिस्मिल्लाह रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अब ये ट्रैक्ट है, इसका फंक्शन हमारे पास क्या है? इसका फंक्शन ये है कि लाइट, क्रियो, टच और प्रेशर का पाथवे है हमारे पास। ये लाइट, टच और प्रेशर के सिग्नल्स को ब्रेन तक लेके जाते हैं। हम देखेंगे इसका पाथवे कैसे है। सबसे पहले ये इसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन आता है और वो एंटीरियर वो सेल ऑफ सब्सटेंशियल जिलेटिनोसा में जाके टर्मिनेट करता है, जहाँ से फिर हमारे पास इसका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन अराइज करता है और वो क्रॉस ओवर करता है टू दी ऑपोजिट साइड, जैसे कि हमें इधर दिखाया जा रहा है। इधर कि ये सेल ऑफ सब्सटेंशियल जिलेटिनोसा है, यहाँ पे आके हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन टर्मिनेट करता है और वो फिर क्रॉस ओवर करते हैं टू दी ऑपोजिट साइड, जहाँ से फिर वो मेड्यूला एब्लोंगेटा में पास करते हैं। मेड्यूला एब्लोंगेटा में पास करते हैं, वहाँ पे वो एंटीरियर लेटरल वाइट कॉलम से पास करते हैं, एंटीरियर एंड लेटरल वाइट कॉलम से पास करते हुए अपर मेड्यूला में जाते हैं और वहाँ और ये स्पाइनल लैमिनिस्कस भी बनाते हैं। स्पाइनल लैमिनिस्कस क्या होता है? स्पाइनल लैमिनिस्कस हमारे पास बनता है तीन ट्रैक्ट्स के फ्यूजन से, जो कि हैं लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट। ये तीनों मिलके हमारे पास बनाते हैं स्पाइनल लैमिनिस्कस, जो कि आगे फिर हमारे पास ऊपर जाता है टुवर्ड्स द वेंट्रोलेटरल वेंट्रल पोस्टीरोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस। और यहाँ पे जाने से पहले ये पॉन्स से भी पास करता है और मिड ब्रेन से भी पास करता है। पॉन्स से पास करते हुए ये पोस्टीरियर ऑफ द पॉन्स से पास करता है, पोस्टीरियर ऑफ द पॉन्स से पास करता है एंड फिर यहाँ से ये ऊपर मिड ब्रेन में जाता है और मिड ब्रेन में ये टेगमेंटम से पास करता है और फिर वहाँ से ये वेंट्रल पोस्टीरियोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस पे जाता है और वहाँ पे इसका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन टर्मिनेट करता है और फिर ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन देता है, जो कि पोस्टीरियर लिंब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल से होता हुआ क्रोना रेडिएटा से पास करता है और फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाके एंड कर जाता है।